या मेरा नाम ताहिरा नकवी है, मद्रास से हूँ। तो मैं इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हो गई हूँ। तो मेरे बोलने का यहाँ पे मैं दो तीन बातें बोलने आई हूँ अकॉर्डिंग टू सिक्स शेड्यूल है। पहले हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, रादर हमारे एमपी साहब ने, हम सबका यही ये था कि हमें यूटी चाहिए था। हमारा मैनिफेस्टो था, हमारे लोगों की मांग थी कि हम यूटी चाहिए, यूटी चाहिए। तो यूटी हमें दे दिया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने या गवर्नमेंट ने। जैसे अभी जेटीएन साहब हैं, जेटीएन साहब को जिताने वाले भी हम हैं। तो उसमें कुछ मैनिफेस्टोज थे, जैसे वहाँ पे जिक्र किया था सिक्स शेड्यूल का। देयर आर सो मैनी मैनिफेस्टोज, अभी मुझे मेरे दिमाग में नहीं है। फर्स्ट हमारा एजेंडा है अभी सिक्स शेड्यूल का। सो हमने उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था। स्टूडेंट यूनियन हो या हमारे आम लोग हो, हम सबों ने एक दिन हमने मुकर्रर किया था, प्रोटेस्ट किया था कि हमें सिक्स शेड्यूल के लिए ये करना ही है बोल के, ठीक है। सो हमने कर दिया। फिर उन्होंने एक डेट फिक्स रखा कि आपको सेफ गार्ड दिया जाएगा। सिक्स शेड्यूल के अगेंस्ट कुछ हमारे लीडर्स को बुलाया गया, जैसे कारगिल से हमारे गए थे, लद्दाख से गए थे, हमारे सारे एपेक्स बॉडी जितने भी हमारे मेंबर्स गए थे वहाँ पे। जो सिक्स शेड्यूल का जिस मुद्दे से वो गए थे वो रद्द किया गया, रद्द किया गया। सेफ गार्ड जैसे हमें लद्दाख को मिलना चाहिए था, तो हमें नहीं पता वो वहाँ पे, जो जो हमने मीडिया में हमने अभी सुना कि इन्होंने हमारा जो रिक्वेस्ट था वो रद्द किया। तो उसमें हमारे अभी जेटीएन साहब हैं, उनको भी हमारी बातें सुननी चाहिए। जब हमारे इलेक्शंस थे तो तब हमारे घर घर आ गए कि हमें वोट दे दो, हम आपकी इसको बढ़ाएंगे। एज ए मेडिकल स्टूडेंट, मैंने मेडिकल किया है, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, अभी तक मेरे जॉब का नहीं पता है। हमारी लेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूछ ही नहीं रही है। जब हमसे वोट उनको जरूरत था तो ये बोला कि आप अपने जितने भी द्रास में अपने जितने भी पर्सन हैं, और हम कट्टर एनसी थे, हमने बीजेपी को वोट हमने दिया है, जेटीएन को भी हमने जिताया है। आज जेटीएन साहब हमारी बात नहीं सुन, हम प्रोटेस्ट में हैं यहाँ पे। हमें यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है। मीडिया के जरिए हम ये बात आगे ये करना चाहते हैं हमारे एमपी साहब को और जितने भी बड़े अथॉरिटीज हैं, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी, एटलीस्ट हमारी हमारा दर्द सुनो, हमारी बात सुनो। हम क्या चाहते हैं, हमारे लोग क्या चाहते हैं। हम प्रोटेस्ट में हैं अभी, प्रोटेस्ट में हैं तो हमें यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है कि आपका हेल्थ कैसा है, कोई इश्यू है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी यहाँ पे कुछ जानी नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए, मुझे तब भी लग रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तब भी नहीं पूछेंगे कि आप लोग ठीक हो, आपको किसी को कुछ मत हुआ। ऐसा मुझे लग रहा है कि तब भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ जाएगी। हमारे जितने भी लोग हैं, इनका आप चाहे हमारे नेता हो, हमारे जैसे एमपी साहब, हमारे एमपी साहब हमें पूछने चाहिए कि आपको क्या दर्द है। हम मोदी साहब को अभी डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप हमें ये नहीं देते हैं, आपने हमें ये नहीं दे दिया। हम इनको डायरेक्ट ब्लेम, हम उनको नहीं जानते हैं। हमने उनका ये सुना है कि हमारा मोदी जी हैं, मोदी जी को वोट देना। हम जेटीएन को हम बड़े रोग से दोग से बोल सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप आ जाओ यहाँ पे, हमारा हाल पूछो। हमारे जितने भी हमारे इतने डिमांड्स नहीं है कि हमें ये बनना है, हमें वो वाला ये दे दो, वो दे दो। हमें जो हमारी ह्यूमन राइट्स है हमें देना चाहिए। अगर आप उसमें या आप अनाउंसली ये बोल दो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं हैंड्स अप कर रहा हूँ, उसके लिए भी हमारे पास हल है ना। जब हमसे वोट मांगने आ गए तब हमें बोला कि हमारे मसाइल हल करेंगे, मसले हल करेंगे। आज कहाँ है, अब आज हमें पूछने के लिए आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे सीनियर सिटीजन है, एटलीस्ट उनका तो आप देख ले। यंग को चलो कुछ भी नहीं होगा, यंग को भी अल्लाह ना करे किसी को कुछ होगा, मुझे नहीं लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी कि हमें पूछेगी आपको कुछ हो गया है, आप ठीक हैं, कुछ हैं, कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो हमें प्रोटेस्ट में ही रहना है, प्रोटेस्ट में आगे। हमारा प्रोटेस्ट हमारे 21 दिन का है, मैं खुद आज प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ, मुझे भी प्रोटेस्ट में रहना है यहाँ पे। हम देखेंगे ना, दैट मीन्स इसी से पता चलता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है। जब हमसे वोट लिया तब हमारी अहमियत थी, जब हमें हमें जब हम स्ट्राइक में है तब हमारी अहमियत नहीं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा वैल्यू कुछ नहीं है उनके सामने।
बाकी मैं हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो भी हैं, मुझे मैं ज्यादा ज्यादा किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ पे, बट लीस्ट जिनको जिन हम एटलीस्ट जिनको हम जानते हैं वो हमें आके पूछने चाहिए, उनका फर्ज है कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है। सीनियर सिटीजन है, एटलीस्ट सीनियर सिटीजन का ये लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो हमें उससे भी हमें साफ साफ पता चलता है कि जब हमारा वोट लेना था तब वोट ले लिया, हमारी जान की इनको कोई परवाह नहीं है, हमारी JTN को परवाह नहीं है। मैं बिल्कुल अनाउंस करके बोलती हूँ वो हमें आके यहाँ पे पूछना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट है, हमारे CC साहब हैं, जो भी हैं, किसी ने किसी को आना चाहिए। मैंने नहीं देखा, मैं एज ए मीडिया पर्सन हूँ, मीडिया में मैं एज ए सोशल नेटवर्क हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ पे कोई मिनिस्टर आके पूछे। एटलीस्ट सीनियर सिटीजन का इनका ख्याल नहीं है, दैट मीन्स कि उनको हमारे वोट से मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम हैं तो आपका वोट है, हम हैं तो ये MP की सीट है, हम नहीं है तो कोई MP नहीं है, कोई सीट नहीं, फिर तो हम आज़ाद ही ठीक है। हम आजाद ठीक है, हमने MP को क्यों चुना है? ताकि एक रिस्पेक्टेड पर्सन जो आगे बात कर सके, जो आगे हमारे मसले मसाइल को रखे, एक रिस्पेक्टेड पर्सन को हमने वहां से चुना था, तो वो यहाँ पे नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं हमारे मसले मसाइल सुने। और हमारी सबसे अभी ठंड है, माइनस पे टेम्परेचर है, किसी सीनियर सिटीजन को हो गया तो बाद में वो लोग जिम्मेदारी भी नहीं ले लेंगे, बोलेंगे हमने बैठो बोला था, हमने करो बोला था, स्ट्राइक तो हमने किया है ना, एटलीस्ट हमें आके पूछना चाहिए।